सफर में घर जैसी सहूलत एक इंतहाई मुश्किल काम है, इसीलिए घर नमा होटल जिसमें हर सहूलत मौजूद हो ये आपके सफर को बहुत आसान कर देता है। लेकिन इसमें बहुत मशक्कत और बहुत मेहनत का काम है और ये यकीनन हर एक के पास का काम नहीं। लेकिन जब आपको सफर में मजा हासिल करना हो तो फिर आपको ये सब काम तो करने पड़ेंगे। ट्रेला, कारावान या जिसे मिनी गाड़ी कहते हैं जिसमें घर जैसी होटल जैसी सहूलतें हों, उन पर सफर कैसे करते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। आज हैंड ब्रेक लग जाती है इसकी यहाँ से, अब ट्रेला जो है ना सिक्योर है, वो कहीं मूव नहीं कर सकता, परफेक्ट है। और ये इसकी इलेक्ट्रिसिटी की केबल्स हैं इधर में, ये इलेक्ट्रिसिटी केबल्स हैं यहाँ पर ही आप देख रहे हैं सारी जो लगी हुई हैं, जितनी भी तारें लगी हुई हैं ये सारी इसकी रिवर्स सेंसर कैमरास। और ये इसके जो पावर बैटरी है उसके साथ है, ये जो है ये इसकी कैमरे के दिखाता है एंगल कि कहाँ। बावजूद इसके कि बहुत से लोग मेरी तरह जो है वो हैंडीमैन नहीं है कि वो ये सारी चीज़ें खुद से कर सके, लेकिन ये प्रोसेस इतना सिंपल और इतना आसान बना दिया गया है कि इसे कोई भी कर सकता है। अच्छा, ये जो गैस बॉटल्स बनी हुई हैं, गैस बॉटल्स से बेसिकली ये है कि आप कुकटॉप और जो माइक्रोवेव और जितनी भी फैसिलिटी चलती हैं ये दोनों जब आप सफ़र करें ये सिक्योर होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट ये दोनों मजबूत होने चाहिए लाजमी। सबसे जो मुश्किल काम इस ट्रेला नमा कैरावैन में होती है वो ये, बिल्कुल एक हाथी की तरह कि जिसको देखने में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन इसको पालना, ख़ास तौर पर इसको पार्क करना, इसको घर के अंदर खड़ा करना बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए बाज़ू का आपको कोई बड़ी जगह, कोई हमसायों का कोई बड़ा बैक यार्ड से जगह हो जहाँ पर आप उसे आराम से पार्क कर सकें। इवन दो कि इसके साथ 2.7 टन बेसिकली ट्रेले का वज़न 2.7 टन है और गाड़ी जो है वो 3 टन जो है वो कैपेसिटी है इसकी, इसको ट्रेला को पुल करने के लिए। वरना जो आपके ना ये अली इसको आप दिखा दो ये, वरना इसको पुल करने के लिए इसकी स्ट्रेंथ जो है गाड़ी की वो इतनी होनी चाहिए कि गाड़ी को खींच सके। तो ये BMW का मॉडल है तो थोड़ा पुराना है लेकिन खींच सकता है। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रिक सोलर पैनल्स के थ्रू जो है ना, सोलर पैनल भी लगे हुए हैं, बिजली भी है। ये अभी ये गाड़ी की बैटरी पर चल रहा है, तो बाकी जो चीज़ें हैं इसके अंदर जो जो हम आगे चलते जाएंगे मैं आपको बताता रहूंगा, लेकिन अभी फिलहाल जो है इसको सेटअप क्लीन करने में थक गया हूँ। इसकी सफाई सुथराई के अलावा जो सबसे बड़ा मुश्किल काम ये है, पिछले 7 महीनों से आपको पता है कि मेलबर्न में लॉकडाउन है, कोई कहीं जा नहीं सकता। ऐसे में अब ये लॉकडाउन खुल गया है तो इसमें बाहर जाना जो आसान हो गया है और इसमें ट्रेले से आप सफ़र कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद इसकी ना सिर्फ कीमत बहुत ज़्यादा है, इसकी कीमतों का अगर आप तोज़न देखें इसमें मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं, मुख्तलिफ तरह की सहूलतों के हिसाब से कीमत है, लेकिन इसके बावजूद इसका जो ख़र्चा है इसको पार्क करने का, जब आप जाएँ कहीं छुट्टियों में तो वहाँ पर उसका ख़र्चा अलग है। LCD, TV, म्यूज़िक, फ्रिज, कुकटॉप, नहाने का, बच्चों के सोने का, आपके लिए क्वीन बेड और सेफ्टी की तमाम सहूलतों के साथ यह रास्ता है, लेकिन इसकी कीमत जो है वो आप देख सकते हैं वो कितनी है। इसमें मुख्तलिफ तरह के जो कैरावैन आते हैं, कुछ जो मिनी हैं वो थोड़े सस्ते हैं, फिर इस तरह की मिनी कार्स भी आती हैं, फिर इस तरह के मिनी बड़े ट्रक आते हैं, इसमें जितना गुड़ डालें उतना मीठा,
तो जितने ज़्यादा पैसे खर्च करें उतने ज़्यादा ये रेंट पे भी मिल सकते हैं, लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग इसको ख़रीद लेते हैं। और ये ऐसे ही है जैसे कि आप अपने घर के बैकयार्ड पर एक और पोर्शन बनाने की बजाय एक ट्रेला ले लें और उसमें घूमें फिरें। ये सारा कैरावैन है जी, ये देखिए सारी हर चीज़ इसमें डिस्पोजल, इसमें 5-6 बंदे आराम से जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये कोशिश थी कि घूमने फिरने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए ये बेस्ट स्पॉट, बेस्ट चीज़ बनी हुई है।